नमस्कार, मैं दीपक कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मंडला। आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि जैसा आपको ज्ञात हुआ होगा, जो वर्तमान लॉकडाउन है, जो द्वितीय चरण था, वो 3 मई तक है। 4 मई से उम्मीद है कि बहुत सारी ढील दी जाएंगी, कई गतिविधियां शुरू की जाएंगी, कई तरह की दुकानें जो अब तक बंद थी वो चालू की जाएंगी। तो मेरा आप सबसे आग्रह यही है कि ये जो प्रक्रिया है ढील देने की, ये अनवरत जारी रहेगी। आने वाले समय में हमें और ढील मिलेगी, तो कृपया करके इसमें कोई पैनिक होने की या अनावश्यक रूप से बाहर निकलने की और भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। कृपया जिम्मेदारी का परिचय दें और अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजार वाले या भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाएं और किसी भी ऐसी जगह पर जाने से बचें। जहां तक बेसिक नॉर्म्स हैं, जैसे मास्क पहनना अनिवार्य है तो वो अपने को करते चलना है। आपस में एक दूसरे के बीच में 1 मीटर की दूरी सुनिश्चित करें। लगातार अपने हाथों को, अपने चेहरे को साफ करते रहें। इन सावधानियों का ध्यान रखें क्योंकि कोरोना अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि कितने समय तक चलने वाली बीमारी है, क्या कब तक ये आपदा रहेगी हमारे सामने। इसको ध्यान में रखते हुए हमें निश्चित तौर पे सावधानी बरतते हुए अपने जीवन यापन की ओर जाना होगा। अनिश्चित काल तक लॉकडाउन भी नहीं रखा जा सकता, सभी चीजों को बंद भी नहीं रखा जा सकता। इसीलिए शासन प्रशासन के जैसे दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त होंगे, उस आधार पर 4 मई के आगे कार्य किया जाएगा। इसमें हमें यही मेरा मैसेज आप तक रहेगा कि स्वयं का बचाव करते हुए, अपने परिवार का बचाव करते हुए, सावधानी के सभी मानकों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ें। हम अपनी जो रेगुलर जीवनचर्या है उसको पालन करें क्योंकि लोगों के सामने दूसरी चुनौतियां पैदा हो रही हैं, चाहे वो खाद्यान्न की हो, चाहे वो घरेलू जरूरत की चीजों की हो या रोजगार से संबंधित हो। तो निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, जो बेसिक काम अटके पड़े हैं उनको पूरा करना, वो भी नितांत आवश्यक है, जो कि 4 मई के बाद अलग अलग स्तर पर शुरू किए जाएंगे। देहात क्षेत्रों में और ज्यादा छूट मिलेगी, शहरी क्षेत्र में हो सकता है कि कुछ प्रतिबंध अभी कड़े रहें। तो मेरा आपसे आग्रह यही है कि आने वाले समय में ये ढील बढ़ेगी, हम और एक सामान्य जीवनचर्या की तरफ जाएंगे, लेकिन इसमें आपका सहयोग सबसे ज्यादा अपेक्षित है। कृपया करके ऐसी कोई भी बात ना करें जैसा कि पीछे हमें 20 और 21 अप्रैल को देखने में आई थी कि काफी सारे लोग, काफी सारी भीड़ बाहर निकल पड़ी थी और जो छूट दी गई थी उसको वापस लेना पड़ा था हमें। तो कृपया करके ऐसी स्थिति निर्मित ना होने दें, जिम्मेदारी का परिचय दें, सभी जो सावधानी के आपको निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। शासन प्रशासन से जारी जो दिशा निर्देश हैं, चाहे वो 2-व्हीलर 4-व्हीलर को लेके हो या बाजार जाने को लेके हो या दुकान खोलने को लेके हो, उनका कृपया करके पालन करें। मैं पूरी अपेक्षा करता हूं और आपसे मुझे पूरी आशा है कि निश्चित तौर पे आपका सहयोग प्राप्त होगा। मंडला जिला आज भी हमारा ग्रीन जोन में है और हम उम्मीद करते हैं कि ये महामारी सिर्फ मंडला से या हमारे मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से चली जाए और हम ग्रीन जोन में ही यथावत बने रहें। आप सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।